आपके रिजल्ट देखने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ विश्वाना का पापा चेक कर रहे हैं, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। इसीलिए पढ़ाया लिखाया था। रो रही है बिचारी। सबको दिखाओ अपना फेल वाला चेहरा, दिखाओ सबको। तो मैं थोड़ा सा मजे ले रहा था अभी मुझे की। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। और देखिए अभी हम शाम के वक्त क्या खा रहे हैं, ये चना मुड़ी नहीं, भुजिया मुड़ी। और अभी अभी हमें ये मतलब जानने को मिला है कि बीएससी सेकंड ईयर की रिजल्ट आ चुकी है और इन्होंने भी एग्जाम दी हुई थी, तो अभी चेक करेंगे, देखते हैं पास हुई है या वीडियो में मत दिखाइए। नहीं, हम दिखाएंगे दोस्त, देखिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम अभी मार्केट गए थे कुछ काम से और वहाँ से वापस आए, हमको पता चला कि रिजल्ट आया है। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो चेक करेंगे, सुहाना के पापा चेक करेंगे ना। मेरा तो दिल धक धक कर रहा है क्योंकि कितने दिन पहले तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था ना, जब से ये कोरोना आया तब से थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा गया है रिजल्ट आने का। तो अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है और क्या बोलते हैं उसका थर्ड ईयर का भी शेड्यूल आ गया है एग्जाम का। 25 दिन बाद से मेरा एग्जाम स्टार्ट होगा थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का शेड्यूल आया, रूटीन और सेकंड ईयर का रिजल्ट, अभी देखते हैं क्या होता है। मेरा तो दिल बहुत धड़क रहा है, मुझे तो चेक करने का मन भी नहीं कर रहा। आपको कैसा फील हो रहा है? आए आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या गेस है कि मतलब मैं क्या पास होंगी कि फेल? मुझे क्या पता, तो होगा ना, फिर भी ऐसा होगा ना कि क्या कुछ हो सकता है। मैं तो चाहूंगा कि आप पास ही हो। चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं पास ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुहाना अभी होमवर्क बना रही है क्योंकि सुहाना को ना आजकल क्या बोलते हैं वहाँ ट्यूशन भी जाना पड़ता है ना बेटा, सुबह 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 जल्दी उठना पड़ता है, फिर वहाँ से आती है तो स्कूल जाना पड़ता है। इसलिए सुहाना यहाँ पे देखिए अभी शाम के वक्त हुआ है ऐसा, अभी होमवर्क बना लेती तब ताकि सवेरे रात को सो पाए। सुहाना गायत्री मंत्र पढ़ो बेटा, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है सुहाना, बताओ बताओ क्या चीज का, क्या चीज का आचार है? मैंगो। मैंगो। किसी से सुन करके बता दो, खुद से बताओ क्या है ये? मैंगो का अचार। दिखाओ हमको, दिखाओ हमको, बनाने वाली को दे। तब से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसा बना, मैंने बनाया वो अचार कैसा बना है? अभी तो खाया ही नहीं है। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है ना? खुशबू तो काफी आ रहा है, एकदम अच्छा से सीज गया है, देखिए ना। देखिए ऐसे देखिए, हम देखेंगे नहीं, हम खाएंगे। खा के देखिए बताइए कैसा लग रहा है। हमको छोटा वाला दो, खा के बताइए कैसा लग रहा है। तो मेरे प्यारे फैमिली अभी टेस्टिंग का बारी है। किस किस के मुंह में से पानी आया कमेंट करे चले जल्दी। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। ये अगला दिन, कल हम थोड़ा बिजी हो गए थे, थोड़ा घर से बाहर भी चले गए थे ना किसी काम की वजह से, तो हम भी मुझे का जो रिजल्ट है चेक ही नहीं कर पाए। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ सीपीयू के सामने में, बोले तो हमारे कंप्यूटर के सामने में, तो अभी कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर ऑन हो चुकी है दोस्तों, और अभी बीमू जी का जो है, क्या हाल है बीमू जी बताइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए बैठे हैं, एकदम से धक धक कर रहा है, पता क्या? नहीं क्या होगा। क्या धक धक कर रहा है? दरवाजा छाती धक धक कर रहा है, दिलों की धड़कन तेज हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अपना कंप्यूटर जो है ऑन हो चुकी है, मैं फटाफट से साइट ऑन कर लेता हूँ जहाँ पे जो है रिजल्ट चेक होती है वो वाला। सुहाना की छुहाना सुहाना, बताओ मम्मी पास होगी फेल? पास होगी। तो सुहाना ने अपना जो है अंदाजा बता दिया दोस्तों कि पास होगी, बाकी अब देखते हैं कि बीमू पास होगी या फिर बीमू के चेहरा देखिए कैसा लग रहा है डरी हुई है बेचारी, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है बीमू के। पहले मैं फटाफट से खोल देता हूँ, ये अपना सीपीयू दिखा लो, ये कंप्यूटर अपना। दोस्तों यहाँ विश्वाना का पापा चेक कर रहे हैं, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, मुझे देखने का हिम्मत नहीं हो रहा, मैं नहीं देखूंगी, आप देख के बताइए ठीक है? मैं आंख बंद कर लेती हूँ, बहुत डर लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों आ गई है, मैं आंख बंद कर लेती हूँ। और अभी जो है बीमू जी के मैं सिंबल नंबर क्या बोलते हैं वो डालने जा रहा हूँ, अब बस एक क्लिक में हमें पता चल जाएगा ये पास है या फेल है। ठीक है दोस्तों, तो बीमू जी तैयार हो?
मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बता दूँ तो ठीक है दोस्तों, पहले मैं देखता हूँ एक क्लिक में पास है या फेल है, और आपको भी बताएंगे, डेमो को बाद में बताएंगे। 3, 2, 1 गो। ये क्या दोस्तों, अभी इसको बीमू को भी नहीं देखने देंगे। क्या है, हेलो, क्या लगता है पास हो या फेल? नहीं पता, मैंने चेक कर लिया है। तो मैथ में थोड़ा सा डाउट है हमको। मैथ में हाँ, क्यों है डाउट? इसीलिए पढ़ाया लिखाया था, फेल हो। दोस्तों फेल है, मतलब फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट आया था, पास हो गई थी, इस ईयर में ये फेल है। क्या कुछ नहीं करता हूँ मैं इसको पढ़ाने के लिए, इसी को पढ़ाने के लिए मैं मलेशिया तक गया हुआ था, इसी को पढ़ाने के लिए। और इसका एग्जाम देखिए ऐसा है कि फेल हुआ है, सेकेंड ईयर में फेल हो गई है, सिर्फ एक साल ले गई है बी एस सी कम्प्लीट करने में, 4 साल की कोर्स है, और इस सेकेंड ईयर में ही लगा लिए, एक सब्जेक्ट में लगा लिए, फेल बता रहे हैं। बताओ कौन पढ़ाएगा आपको, बताओ। ऐसे में इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, पैसे पर पैर में तो नहीं फैलते हैं कि हम आपको इसे तोड़े और जाओ कि बोलो उड़ाओ कॉलेज में, ना मेहनत करो ना कुछ, ना पढ़ो ना लिखो, ऐसा लगता है ना? हाँ, आप पढ़ाई लिखाई सब बंद, घर की काम करो, जो विद्यार्थी पढ़ने लायक होगा ही नहीं उसको क्यों पढ़ाना है कि नहीं दोस्तों? विमला की पढ़ाई बंद, चाहे इसके लिए आप लोग मुझे बुरा कहो या जो कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब फेल है तो पैसा दिए हैं, कॉलेज की फीस भरते हैं हम, ताकि इस चीज़ के लिए नहीं भरते ना कि यहाँ पर फेल हमको दिखे, इस चीज़ के लिए थोड़ा ना भरते दोस्तों, फेल हो गई है। अच्छा किए हो, गुड, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, फेल हो गए हो, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। रो रही है बेचारी, रोने से यहाँ पर रिजल्ट में पास तो नहीं आ जाएगा। आ जाएगा पास, इधर देखो, सबको दिखाओ अपना फेल वाला चेहरा, दिखाओ सबको। हाँ देखिए दोस्तों, फेल हो कैसा चेहरा बनता है, खुद भी देखो, आओ खुद भी देखो, तब जाकर पता चलेगा। देखो बैठो, इधर बैठो, देखो कितना अच्छा मार्क लाई हो, मैं भी दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो क्या है, पास है। बिमला यादव पास हो गई हो, पास, कंग्रेचुलेशन। हमको लगा था, हमको अंदर से लग रहा था कि हम पास होंगे, बस थोड़ा सा डाउट था मुझे मैथ में। दोस्तों मैं सेकंड ईयर पास हो गया, रिमार्क्स इज पास, विमला यादव, 4 ईयर BSc। सुहाना मम्मी पास हो गई, कंग्रेचुलेशन बोलो, कंग्रेचुलेशन सुहान, मम्मा पास हो गई। दोस्तों मैं थोड़ा सा मजे ले रहा था अभी मुझे की, है ना, कि मतलब देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या आती जब मैं उनको फेल बोलता हूँ, तो बेचारी रोने रोने से हो गई थी, थोड़े बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन मैं देख चुका था कि पास हो गई है, ठीक है। अब बताओ अपना कैसा लग रहा है, पास हो गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। नौकरी करोगी? नौकरी करोगी तो पास हो गई हो ना, तो पूजा पार्टी दोगी ना? पास हो गई, पार्टी दो सबको, भोज खिलाओ। अभी चलिए पहले मंदिर चले, मंदिर अभी नहाए हैं, साड़ी भी पहने, चलिए मंदिर चलते हैं पहले, ठीक है। Actually, पास होने की खुशी में सबसे पहले भगवान जी को लड्डू चढ़ाएंगे। सबसे ऐसा लगता है अभी कि पास तो बीमू जी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा रिजल्ट है, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ, अपनी बीमू तो पास है। हाय बीमू के जी, देखने में मजा आता है पास। तो अभी हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, चलेंगे मंदिर, करेंगे भगवान के दर्शन, पूजाए अर्चना आराधना, और गाएंगे बार बार ये दिल आए नहीं दिन आए, और ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलो। पता है क्या हुआ? अर्चना क्या ले? अर्चना पूजा अर्चना आराधना ये सब वैसे कहे तो लड़कियों के नाम है, लेकिन ये श्रद्धा की बात है जो हम भगवान के सामने में करते हैं, ठीक है। कोई नहीं है, बताओ ना आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, बताइए। पता है रिजल्ट आया था बीमू जी की बी एस सी की, और आज हमने अभी चेक किए हैं और वो पास हो गई है।
ये मुझे भी बाहर सज धज के निकल चुकी है। और सुहाना भी, कहाँ जा रहे हैं हम? मंदिर जा रहे हैं ना, और साथ में है उदय, हम सब फैमिली चल रहे हैं मंदिर। आज बहुत खुशी के दिन है, बहुत खुश है। पैसे लिए हो कि नहीं? ले है ना, मिठाई खरीदने के लिए पैसे लिए हो ना? तो चलिए दोस्तों चलते हैं। संपन्न हो गई है दोस्तों, और अभी जो है टीका लगाने के बारी है। अभी दीदी जी हमको भी लगा देंगे, खुद भी लगाएंगे, और यहाँ पे शीशा भी है, वहाँ पे भी देख के लगा सकते हैं। लेकिन दीनू है तो फिर शीशा देखने में क्या जाएगा ना। दोस्तों पूजा हो गई है, और ये रही प्रसाद। सबसे पहले जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, आप सबके लिए है, और भगवान के नाम लेके ग्रहण कर लीजिए, और बिनु को आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सब यूं ही पास करते जाए एक ही बार में। आप सबकी बिनु ने मुझे कुली मैन बना दिया, और अभी सारा शॉपिंग हो गई, अब घर चलते वापस जा रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मार्केट आए हैं खाना पापा के लिए कुर्ता लेने। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, ले ले। टी शर्ट ही अच्छा लग रहा है आपको? बेटा कैसा लग रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। चलो मंदिर से आने के बाद हम लोग मार्केट में तीन चार दुकान में ढूंढ गए। कोई छोटा हो रहा था बॉडी में, ठीक हो रहा था तो छोटा हो रहा था, अगर बॉडी में ठीक हो रहा था तो लूज हो रहा था। मुझे लग रहा है आप फिर से दुबला गए हो। हाँ दुबला तो गए हैं, लेकिन पेट निकालने की जरूरत है, पेट निकालेंगे सब हो जाएगा। अभी हम घर वापस आ गए हैं, और जितने भी हमारे यहाँ के लोग थे सभी को प्रसाद वितरण कर दिए हैं। लेट हो गया, बहुत लेट हो गया है, और मेरे को ना कुछ दिन से प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, ना सुबह को मिलता है ना शाम को मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है आपको? पता नहीं है। आप कहीं जाते हो कुछ करने है, तो घर में रहते हो तो क्यों नहीं खाते हो लेके? तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को, हाँ हो गया ना दोस्तों, आज इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो और खुश लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।